बिहार सरकार के रजिस्ट्रेशन के आलोक में साइबर अपराधों पर प्रभारी नियंत्रण में रोकथाम हेतु रेल पटना साइबर थाना का आज शुरू किया गया, उद्घाटन किया गया। इसमें सभी प्रकार के साइबर शिकायतों को सुना जाएगा, मुख्य रूप से ऑनलाइन इंटरनेट के माध्यम से जो अपराध होते हैं, वित्तीय अपराध होते हैं, उनको महिलाओं के विरुद्ध, बच्चों और बच्चों के विरुद्ध, आईटी एक्ट के अंतर्गत या कोई भी ऐसे जो समस्या है जिसमें कि जटिल तकनीकी समस्याएं होंगी साइबर अपराध, जिन्हें पुलिस अधीक्षक द्वारा दिया जाएगा, इन तमाम प्रकार की समस्याओं को यहाँ सुना जाएगा। और इसमें सीधे पीड़ित थानों पर आवेदन देकर प्राथमिकी दर्ज करके तक कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा ईमेल डाक के माध्यम से आता है, उसको भी जाँच करके आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। महिलाओं बच्चों से संबंधित कुछ भी शिकायत आती है ईमेल पोस्ट के माध्यम से, उनके वहाँ घर पर जाकर संपर्क करके उनकी शिकायत ली जाएगी, उनको थाना में नहीं बुलाया जाएगा। इस प्रकार से साइबर थाना का उद्देश्य है कि जितने भी प्रकार के साइबर अपराध हैं उस पर तत्क्षण कार्रवाई की जाए। इसका जुरिस्डिक्शन पूरा का पूरा रेल जिला पटना है और यहाँ पर जो भी पंजी डिजिटली संधारित किए जाएंगे और उसके लिए सभी व्यवस्था की जा रही है और सभी व्यवस्था के आरोप में शिकायतें ली जाएंगी। सर, इसमें क्या बाहरी लोग भी आगे शिकायत दर्ज करा सकते हैं या केवल रेल के यात्रा के दौरान जो प्रभावित होंगे सिर्फ वही शिकायत दर्ज करा? रेल यात्रा के दौरान या प्लेटफॉर्म पे आते हैं, सिक्योरिटी एरिया पे आते हैं, जो जुरिस्डिक्शन रेल जिला पटना का है उनके सभी लोग यहाँ आके कर सकते हैं। और ऐसे चूँकि जो घटना है वो साइबर स्पेस में घटित होता है, उसका जुरिस्डिक्शन पता करना मुश्किल होता है, तो जो भी लेकर आएंगे उनकी शिकायत दर्ज की जाएगी। और यदि उसका घटना स्थल पता लगाया जाता है बिहार के किसी अन्य जिले का, तो अनुसंधान की सुगमता को देखते हुए वहाँ पे उसको जीरो एक्सपायर करके ट्रांसफर किया जाएगा, क्योंकि बिहार में सभी जगह सभी डिस्ट्रिक्ट में साइबर थाना खोले गए हैं। सर, साइबर अपराध के बारे में सर थोड़ा विस्तार से बताया जाए कि किस तरह की घटनाएं साइबर अपराध के तहत आती हैं? साइबर अपराध में जैसे ऑनलाइन किसी भी ठगी, किसी भी तरह का फ्रॉड या किसी भी जो हैक कर लिया था अकाउंट या व्हाट्सएप के माध्यम से उसको हैक करके दिया था, बैंक अकाउंट से पैसे निकल जाते हैं, एटीएम फ्रॉड या किसी भी तरह का जो बच्चे हैं, महिलाएं हैं, उनको तंग करने के लिए उनका पिक्चर को पोस्ट कर दिया था, तो किसी भी प्रकार का जो साइबर अपराध है जो आईटी एक्ट के अंतर्गत है या इंटरनेट के माध्यम से होता है या किसी भी प्रकार से कंप्यूटर या पोस्ट के माध्यम से किया है, सभी प्रकार की शिकायतों को यहाँ सुना जाए। ये सर पहला थाना है या फिर कितने थानों का उद्घाटन? आज पूरे बिहार में 44 थानों का उद्घाटन शुरू किया गया, उद्घाटन किया गया 40 जिलों में और 4 रेल जिलों में। उसी के क्रम में रेल जिला पटना में भी यह साइबर थाना खोला गया है और यहाँ पे तमाम आधुनिक उपकरण पर जो भी है वो यहाँ पे लगाए गए हैं, सॉफ्टवेयर वगैरह तमाम यहाँ पे ऑलरेडी दिए गए हैं जिससे कि अनुसंधान सुगमता से चल सके। चलिए, थैंक यू।